हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ जो बेस शेयर करने जा रही हूँ, बी बॉन्ड की बेस है और आप देख सकते हैं पैकेजिंग नॉर्मल सी पैकेजिंग है। नेचुरल स्किन केयर के हिसाब से काफ़ी बेस्ट होती है एंड ट्रांसपेरेंसी होती है, इसमें मेंशन हुआ है। एंड इसका जो शेड नंबर है 1 लाइट बेच नंबर है और आप देख सकते हैं कंसिस्टेंसी कुछ इस तरह की होती है, यानी कि थोड़ी सी ये ड्राई फॉर्म पर होती है। जैसे इसको अप्लाई करते हैं तो ब्लेंड करते टाइम ये इस तरह से कुछ ब्लेंड हो जाती है और कवरेज भी है इसमें आप देख सकते हैं, यानी कि ये जो बीबी क्रीम है, बेस है, ये अप्लाई करने के बाद आपको थोड़ी सी कवरेज भी देगी, लेकिन लाइट वेट ये है क्योंकि ये बहुत ज़्यादा फेयर कलर पे है। तो आप देख सकते हैं मेरी स्किन पर काफ़ी ज़्यादा ये फेयर लग रही है क्योंकि 1 नंबर है। एंड इसके अलावा इसमें आपको सन केयर एक्सपर्ट के नाम से वाइटनिंग प्रोटेक्शन भी मिल जाती है, यानी कि अगर आप कोई सनस्क्रीन यूज करना चाहते हैं तो इसको ट्राई कर सकते हैं क्योंकि इसमें SPF 60 होता है जो कि काफ़ी अच्छा रहता है। अगर आप इसको अप्लाई करके कोई सा भी मेकअप करेंगे तो आपकी बेस बहुत अच्छी बनेगी और आपकी बेस क्रैक भी नहीं करेगी, स्वाइटिंग का इशू नहीं होगा। एंड ये जो बेस है इसकी मार्केट में प्राइस 450 है, यानी इतनी ज़्यादा अफोर्डेबल प्राइस में ये आपको मिल जाती है। इसमें आपको डिफरेंट शेड्स भी मिल जाते हैं और आप ऑल वेदर पे इसको यूज़ कर सकते हैं। समर के वेदर पे अगर आप यूज़ करेंगे तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, बट अगर विंटर के सीज़न पर या फिर आजकल जो वेदर चल रहा है काफ़ी ज़्यादा ड्राई चल रहा है, इस पर अगर यूज़ करते हैं तो प्राइमर यूज़ करके ही यूज़ करें। डेली यूज़ के लिए काफ़ी बेस्ट होती है, अगर आप टीनेजर्स हैं या फिर कॉलेज गोइंग गर्ल्स हैं, स्कूल गोइंग गर्ल्स हैं, तो आपके लिए काफ़ी अच्छी रहेगी। आप इसको डेली यूज़ कर सकते हैं क्योंकि आपकी बेस नेचुरल लगती है, एक सॉफ्ट सा मेकअप करने के लिए काफ़ी अच्छी रहती है। प्राइमर लगाने के बाद इसको लगाएँ और कॉम्पैक्ट पाउडर लगा लें तो इस तरह से आपकी बेस बिल्कुल नेचुरल लगेगी। सो ये थी कुछ इन्फॉर्मेशन इस बेस के हवाले से। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर। अल्लाह हाफ़िज़।